चैप्टर नंबर टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला याद दिला दिले। प्रिंसिपल है, अमाउंट है, इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है। देखिए वन पैसा कितना होता है, टाइम ईयर में लिखिएगा, वन डे को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, वन मंथ को वन बाई ट्वेल्व ईयर बना सकते हैं। देखिए यह फार्मूला तीनों है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बाय हंड्रेड, प्रिंसिपल का हंड्रेड इंटू एस आई बाय आर इंटू टी, रेट का हो गया हंड्रेड इंटू एस आई पी इंटू टी, और टाइम का हो गया हंड्रेड इंटू एस आई पी इंटू आर। बाबू लोग देखिए चैप्टर टू का हम लोग एक नंबर और दो नंबर बना दिए थे, ये तीन नंबर बना रहे। एग्जाम में पाँच मार्क्स का आता है। देखिए क्या है, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट ऑन कितना 960 रुपीस, कितना 960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया 8 सही 1/3। ये फ्रैक्शन में दिया है, ये किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, इसको ठीक करना पड़ता है। तो याद रखिएगा 8 सही 1/3 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 तरीके कितना होगा 24, और 24 एक कितना होगा तो 25/3, इसको ऐसे लिखा जाता है। और पर एनम फॉर वन ईयर थ्री मंथ, याद देखिए टाइम में, टाइम में झुलका किया है एक साल तीन महीना, एक साल तीन महीना, तो ये तो एक साल है लेकिन इसको का महीना है, तो इसको भी साल बनाना होगा, ठीक है। तो ये रहा, तो क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ बोलिए, तो ये क्या दिया हुआ प्रिंसिपल, ये क्या दिया हुआ प्रिंसिपल, ये क्या दिया हुआ रेट, ये क्या दिया हुआ रेट, और ये क्या दिया हुआ टाइम। तो देखिए हम लोग इसमें से क्या निकालना है, क्या बोला निकालने के लिए, देखिए क्या बोला निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए, क्या बोला फैजान एकदम राइट बोला है, क्या बोला निकालने के लिए अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट में क्या दो चीज होना चाहिए, तो अभी फैजान बोलेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होना चाहिए। फैजान अभी क्या बोलना चाह रहा था कि सर अमाउंट में क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल भी होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा अमाउंट। हम बोल रहे हैं कि अली सवाज का अब क्या बोला कि बाबू 5000 लो बैंक में रख दो, ये जो बैंक में रखने जा रहा 5000 वो का है प्रिंसिपल है, लेकिन बैंक वाला रखा है बैंक में रखा कुछ दिन बाद, एक साल बाद दो साल बाद, इसका अब्बा के दिमाग में बोला अरे हम तो 5000 तुमको दिए थे बैंक में रखने के लिए, कुछ तो पैसा भरा होगा, जाओ खुशी में बोला जाओ ले का पैसा, ये भी गया टुन टुन गया, कहाँ गया बैंक गया, बैंक से पैसा निकाल। अब्बा को फोन करा बैंक से, अब्बा हम जो रखे थे 5000 लेकिन बैंक से मिल रहा कितना 5600, कितना मिला 5600, तो उसमें 600 का था, तो वो जो 600 था वो का था इंटरेस्ट। गुड जी, एकदम फैजान से ही बोल रहा है, वो जो 600 इंटरेस्ट था, तो कहने का मतलब 5600 मिला। तो अब्बा फोन पे क्या बोला कि बाबू बैंक वाला रख लेगा, एक काम करो वो भी 600 निकाल लो, तो मतलब 5000 भी निकाल और 600 भी निकाल। तो मैथ की जुबान में हम उसको क्या बोलेंगे अमाउंट निकाला, क्या बोलेंगे अमाउंट निकाला, क्यों उसमें क्या क्या मिला हुआ है, प्रिंसिपल भी मिला हुआ और इंटरेस्ट भी मिला हुआ। हम लोग फॉर्मूला में सीखे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P for principal और प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग को इसमें वही निकालना, हम लोग को क्या निकालना, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, प्रिंसिपल 960 दिया हुआ, ठीक है। देखिए रेट कितना दिया हुआ, रेट बोलिएगा 8 सही 1/3%। तो इसको इसको पहले ठीक करेंगे, ठीक है। ऐ देखिए इसको इससे जरब करेंगे तो 8 तिया कितना होगा 24, और ऊपर वाला को एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 25। तो वह बहुत अच्छा 25/3, एकदम लग रहा है आप लोग 10 के स्टूडेंट है, यानी 25/3, ठीक है। आप बोलिएगा टाइम कितना दिया हुआ सर, तो टाइम देखिए टाइम बोलिएगा वन ईयर हुआ थ्री मंथ MONTH मंथ, ठीक है। ये वन ईयर वैसे रहेगा, वन ईयर वैसे रहेगा, प्लस देंगे थ्री मंथ है ना, तो थ्री मंथ को साल बनाने के लिए 3/3, एक साल में कितना महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है बाबू, एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखो इसको काटोगे 3 × 3 3 × 4 = 12, मतलब क्या हो गया 1 + ये वाला क्या हो जाएगा 1/12 1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो एलसीएम लिए तो कितना आया 4 4 =
और ये चार चार कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, बहुत अच्छा वन। तो इसको करेंगे चार एक कितना हो जाएगा, पांच बटा चार। ई का निकला ईयर, ई का निकला टाइम, निकल गया हम लोग का क्या हो गया, ये टाइम हो गया। देखिए हम लोग को ये टाइम इसमें निकालना पड़ रहा है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम है। तो ये जो टाइम है अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो मुस्तकीम बाबू बोलेंगे सर इतना तो आसान है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम कर दीजिए। क्या निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट। देयर फोर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बोलिएगा, पेन टू टेन टू आर बाय हंड्रेड। पी का वैल्यू बोलिए कितना है, अब बोलिएगा 960। बहुत अच्छा। टी कितना है, पाँच बटा चार, नीचे चार दे दिए, पाँच बटा चार इंटू। आर कितना है, आर कितना है, 25 बाय 3। देख रहे हम कैसे लिख रहे हैं, बस वैसे लिखना है, 25/3, 5/4 और 960 इंटू, यहाँ पे कुछ भूल रहा है, 100। बहुत अच्छा। अब इसको चाकू से लेकर काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, गौर से, एक जीरो काट दीजिएगा और बोलिए क्या कटेगा। देखिए 5 एकम 5, 5 2 10, 5 एकम 5, 5 2 10, ये 2 आया, आई देखिए 2 से कटिएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, ये देखिए 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आई 4 2 9, अब क्या बचा नीचे, 3 के 12 में 12 आता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। एकदम ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे काटे हैं। अब यहाँ देखिए ऐसे के लिखेंगे, बचा का यहाँ पे, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे 4 बचा और बोलिए क्या बचा, 25 बचा। दोनों को जरब करेंगे तो कितना आएगा, 100। बहुत अच्छा, मुस्तकीम ने बोला 100, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, 100। लेकिन पूछा क्या, वो अमाउंट अली सवाज का अब्बा क्या बोला था कि पूरा पैसा निकालने के लिए, तो ये तो इंटरेस्ट था और आगे का क्या बचा था, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, AMOUNT, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए पी कितना था बोलिएगा, 960 था, पी कितना था, 960। पी कितना था, 960, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1060 रुपया, मतलब अमाउंट टोटल कितना हुआ, अमाउंट कितना हुआ, 1060 रुपया। ये हम लोग का आंसर हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हुआ, यानी के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का आंसर आ गया 1060।